हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका कीर्तिमान फ्यूचर क्लासेज में। दोस्तों, इस वीडियो में कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चनों को सॉल्व कराएंगे जो कि प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए हैं और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, 1 फैक्टोरियल + 2 फैक्टोरियल + 3 फैक्टोरियल + 4 फैक्टोरियल + 50 फैक्टोरियल का इकाई अंक ज्ञात करें। देखिए दोस्तों, आसानी से सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन क्या दिया गया है, 1 फैक्टोरियल + 2 फैक्टोरियल + 3 फैक्टोरियल + 4 फैक्टोरियल + 50 फैक्टोरियल। देखिए दोस्तों, 1 फैक्टोरियल है तो इसका मतलब क्या होगा, 1 होगा, प्लस 2 फैक्टोरियल है यानी 2 × 1 होगा, ठीक है, प्लस 3 फैक्टोरियल है, 3 फैक्टोरियल यानी 3 × 2 × 1 होगा, प्लस 4 फैक्टोरियल है यानी 4 × 3 × 2 × 1 होगा। और दोस्तों, आप हमेशा ध्यान रखिएगा, 4 फैक्टोरियल तक के इकाई अंक अलग अलग होते हैं। जैसे ही आप 4 फैक्टोरियल से आगे बढ़ेंगे यानी 5 फैक्टोरियल में इकाई का अंक 0 होगा, ठीक है। 5 फैक्टोरियल या 5 फैक्टोरियल से अधिक आप किसी भी फैक्टोरियल, जैसे मान लीजिए 6 फैक्टोरियल का इकाई अंक निकालेंगे तो 0 मिलेगा। इसी प्रकार अगर आप 50 फैक्टोरियल का निकालेंगे तो इसमें भी इकाई अंक 0 मिलेगा। 58 फैक्टोरियल में इकाई का अंक निकालेंगे तो 0 मिलेगा। हमेशा आप ध्यान रखेंगे, 5 फैक्टोरियल हो या 5 फैक्टोरियल से अधिक कोई भी संख्या हो तो उसमें इकाई का अंक हमेशा 0 होता है। तो दोस्तों, 5 फैक्टोरियल का इकाई अंक 0 हो जाएगा, प्लस 50 फैक्टोरियल है तो इसका भी इकाई का अंक 0 हो जाएगा। देखिए इसको सॉल्व कर लेते हैं तो 1 + 2 = 2 हो जाएगा, प्लस 3 × 6 = 6 हो जाएगा, प्लस 4 × 3 = 12 × 24 = 24 हो जाएगा, प्लस 5 फैक्टोरियल या उससे अधिक सभी के इकाई अंक क्या होते हैं, 0 होते हैं। हमको इकाई का अंक निकालना है, इसको हम जोड़ लेते हैं तो 3 हो जाएगा, 6 × 3 = 9 हो गया, 9 और 24 में इकाई का अंक क्या है, 4 है, तो 9 × 4 = 13 हो जाएगा, प्लस 0 हो गया, 13 में 0 जोड़ेंगे तो 13 मिलेगा, ठीक है। 13 में इकाई का अंक क्या है, 3 है, तो 3 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी इसमें इकाई का अंक क्या होगा, 3 होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल आसानी से आप समझ गए होंगे। आपको ध्यान क्या रखना होगा, 5 फैक्टोरियल हो या 5 फैक्टोरियल से अधिक कोई भी संख्या हो उसमें इकाई का अंक हमेशा 0 होता है, ठीक है, यानी इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, जब किसी संख्या को 24 से बढ़ाया जाता है तो वह स्वयं का 115% हो जाती है, वह संख्या क्या है। देखिए दोस्तों, मान लेते हैं कि कोई संख्या x है, ठीक है। क्वेश्चन में बोला गया है जब किसी संख्या को 24 से बढ़ाया जाता है, ठीक है, कोई संख्या x है, x को 24 से बढ़ाया जाता है, यानी x में अगर 24 जोड़ा जाता है तो क्या होता है दोस्तों, वह स्वयं का 115% हो जाता है, यानी स्वयं यानी यक्ष का 115% के बराबर हो जाता है, ठीक है। यहाँ से वह संख्या हम निकाल लेंगे, यक्ष का मान निकाल लेंगे, 115% है तो प्रतिशत हटाएंगे, नीचे क्या आएगा, नीचे 100 आ जाएगा, ये काट देंगे, 5 से काटेंगे, 20 बार में 5 से काटेंगे तो 5 × 2 = 10 हो जाएगा, ठीक है, 1 बचेगा तो 5 × 3 = 15 हो जाएगा। यहाँ से दोस्तों क्या मिलेगा, तो यक्ष प्लस 24 बराबर हमें मिलेगा 23 x / 20, ठीक है। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं तो यहाँ देखिए 24 हो जाएगा इज इक्वल टू 23 x / 20, इधर प्लस में इधर आएगा तो माइनस का x हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो 23 में से 20x घटाएंगे, ठीक है, 23x में से 20x घटाएंगे तो क्या मिलेगा, 3x मिलेगा, और नीचे बटे क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा, बराबर क्या हो गया, 24 हो गया, 3 × 3 = 3, 3 × 8 = 24 हो गया, ठीक है। यानी दोस्तों यहाँ से 8 = x / 20 हो गया, ठीक है, 20 का गुणा इसमें करेंगे तो x का मान क्या मिलेगा, 2 × 8 = 16 यानी 160 मिलेगा, ठीक है, यानी वह संख्या कितनी रही होगी, तो वह संख्या 160 रही होगी, यानी ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल आसानी से आप समझ गए होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, यदि किसी विद्यालय में 60% विद्यार्थी लड़के हैं और लड़कियों की संख्या 812 है तो विद्यालय में कुल कितने लड़के हैं। देखिए दोस्तों, विद्यालय में चाहे जितने भी विद्यार्थी हों, टोटल विद्यार्थियों की संख्या हमेशा क्या होगी,
परसेंट में 100% होगी। किसी विद्यालय में 60% विद्यार्थी लड़के हैं, ठीक है, टोटल विद्यार्थियों की संख्या लड़के और लड़कियों को मिलाकर 100% है, 100% में से 60% विद्यार्थी लड़के हैं, तो बचे कितने लड़कियां, 40% लड़कियां हैं, ठीक है, जबकि यहां दिया गया है और लड़कियों की संख्या 812 है, यानी 40% किसके बराबर हो जाएगा, तो 812 के बराबर हो जाएगा, क्योंकि 40% लड़कियां हैं और लड़कियों की संख्या 812 है, तो 40% 812 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। यहां से दोस्तों हम 1% का मान निकालेंगे, तो 1% क्या मिलेगा, 812/40, ठीक है, यहाँ 40 से इधर आएगा तो भाग हो जाएगा, गुणे में इधर आएगा भाग में हो जाएगा, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। 4 से काटेंगे तो दोस्तों 4 × 40 हो जाएगा, 4 से ऊपर को काटेंगे तो 4 × 2 = 8 हो जाएगा, ठीक है, 4 × 2 = 8 और 4 × 3 = 12 हो जाएगा। यहाँ से दोस्तों हमको निकालना क्या है, लड़कों की कितनी संख्या है, तो लड़कों की संख्या 60% है, ठीक है, 1% का मान इतना है, तो 60% का मान कितना होगा, तो 203/10 है, 60% बनाने के लिए इधर भी हम 60 से गुणा कर देंगे, तो 0 से 0 कैंसिल, 6 × 3 = 18 की 8 हासिल, 1 × 6 = 0, 0 × 91 = 1 हो जाएगा, 6 × 2 = 12 हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। यानी लड़कों की कुल संख्या कितनी होगी, तो लड़कों की कुल संख्या 1218 होगी, यानी ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, आसानी से आप समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किसी धनराशि का 5 वर्ष का साधारण ब्याज उस राशि का 2/5 भाग है, ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों, साधारण ब्याज बराबर फार्मूला क्या होता है, तो साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणे दर गुणे समय 100, ठीक है दोस्तों। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं, किसी धनराशि का 5 वर्ष, ठीक है, धनराशि का 5 वर्ष यानी समय क्या दिया गया है, तो समय बराबर 5 वर्ष दिया गया है, ठीक है, ब्याज उस राशि का 2/5 भाग हो जाता है, यानी हम मूलधन मान लेते हैं कि मूलधन कुछ भी रहा हो, तो मान लेते हैं कि मूलधन यक्स रहा होगा, तो साधारण ब्याज क्या हो जाता है, तो साधारण ब्याज हो जाता है, साधारण ब्याज उस राशि का 2/5, यानी राशि मूलधन हमने क्या माना है यक्स, तो यक्स का हो जाता है 2/5 भाग, ठीक है, तो यहाँ से हम वार्षिक दर निकाल लेते हैं, मूलधन कितना है, तो मूलधन यक्स है, ठीक है, मूलधन यक्स है गुणे हमको निकालना क्या है, दर यानी आर निकालना है, गुणे समय कितना है, तो 5 वर्ष है, और 100 हो जाएगा, और इस तरफ साधारण ब्याज क्या है, तो 2x/5, ठीक है, 2x/5, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है, 5 से काटेंगे इसको 20 बार में, 5 × 5 = 5, 5 × 6 = 20, 4 बार में कैंसिल हो जाएगा, यक्स से यक्स कैंसिल हो गया, तो 4 × 2 में करेंगे तो 8 हो जाएगा, ठीक है, यानी 8% क्या आएगा, तो रेट आएगा यानी दर आएगा, ठीक है। पूछा क्या गया है, ब्याज की वार्षिक दर, यहाँ परसेंट में नहीं दिया गया, तो परसेंट हम नीचे से हटा देंगे, तो 8/100 हो जाएगा, परसेंट हटाएंगे तो नीचे 100 आएगा, बराबर आर हो जाएगा, इसको सॉल्व कर लेंगे, 8 में 100 का भाग करेंगे तो 0.08 आएगा, ठीक है, और यही क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, यानी वार्षिक दर क्या होगा, 0.08, यानी ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल सिंपल तरीके से आप समझ गए होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, यदि टैन थीटा माइनस कॉट थीटा बराबर 0 हो, तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का मान ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों, यह क्वेश्चन दिया गया है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, टैन थीटा इज इक्वल टू माइनस इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, कॉट थीटा लिख सकते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ से टैन थीटा इज इक्वल टू क्या मिलेगा, तो टैन 90° माइनस थीटा क्या होता है, तो टैन 90° माइनस थीटा कॉट थीटा होता है। यहाँ से टैन कैंसिल हो जाएगा, तो थीटा इज इक्वल टू क्या मिलेगा, 90° माइनस थीटा, थीटा इधर आएगा तो 2θ इज इक्वल टू 90° हो जाएगा, थीटा का मान निकालेंगे तो 90/2 यानी 45° मिलेगा, तो यहाँ हम रख देंगे, तो यहाँ दोस्तों क्या हो जाएगा, साइन 45° हो जाएगा प्लस कास 45° हो जाएगा। साइन 45° का मान 1/√2 होता है, और कास 45° का मान 1/√2 होता है, 2 हो जाएगा, नीचे √2 हो जाएगा, हर का हम परिमेयीकरण कर देंगे, तो √2 से ऊपर गुणा √2 से नीचे गुणा कर देंगे, ठीक है,
तो यहाँ से दोस्तों क्या हो जाएगा, टू अंडर रूट टू हो जाएगा। अंडर रूट टू में अंडर रूट टू का गुणा करेंगे टू मिलेगा, टू से टू कैंसिल हो जाएगा तो क्या मिल जाएगा, अंडर रूट टू। यानी इसका मान क्या होगा, तो अंडर रूट टू होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आसानी से आप समझ गए होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, 50 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 100 मीटर लंबे एक प्लेटफार्म को 10 सेकंड में पार करती है, रेलगाड़ी की गति मीटर प्रति सेकंड में क्या है। देखिए दोस्तों, 50 मीटर लंबी कोई रेलगाड़ी है, ठीक है, 50 मीटर लंबी रेलगाड़ी है और वह रेलगाड़ी एक 100 मीटर लंबे प्लेटफार्म को पार करती है, ठीक है, 100 मीटर लंबे प्लेटफार्म को पार करती है। ये क्या है, 100 मीटर लंबा कोई प्लेटफार्म है, एक 50 मीटर की रेलगाड़ी 100 मीटर प्लेटफार्म को पार करती है। तो दोस्तों रेलगाड़ी के द्वारा चली गई दूरी कितनी होगी, तो रेलगाड़ी की जो 50 मीटर की लंबाई है वो और 100 मीटर प्लेटफार्म की जो लंबाई है उतनी दूरी रेलगाड़ी तय करेगी, यानी डिस्टेंस कितना तय करेगी, तो 100 प्लस 50 यानी 150 मीटर पूरा रेलगाड़ी दूरी तय करेगी, ठीक है, कितने सेकंड में, तो 10 सेकंड में। यानी टाइम कितना दिया गया है, तो 10 सेकंड। फार्मूला क्या होता है दोस्तों, चाल बराबर होता है दूरी बटे समय, ठीक है, दूरी बटे समय। तो दूरी कितना है, दूरी है 150, ठीक है, दूरी कितना है 150 है मीटर और समय कितना है, तो 10 सेकंड है, 10 सेकंड भाग कर देंगे तो यहाँ से चाल क्या मिलेगा, तो चाल दोस्तों मिलेगा 15, ठीक है, चाल क्या मिलेगा, 15 मीटर प्रति सेकंड। यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आसानी से आप समझ गए होंगे।